दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, और कुछ रहस्यों को तो इंसानों ने सुलझाने में सफलता हासिल कर ली है, लेकिन आज भी दुनिया में ऐसी कई जगह है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिकों ने मिलकर खोज तो ली, लेकिन आज भी उसके पीछे का रहस्य नहीं खोज पाए। कह सकते हैं कि इतिहास एक समंदर जैसा होता है जिसकी गहराई का अंदाजा लगा पाना नामुमकिन सा होता है, और इतिहास से जुड़ी चीजों का अगर कोई पुख्ता सबूत ना हो तो उसे समझना नामुमकिन सा हो जाता है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही रहस्यमयी खोजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और जिनका राज आज भी नहीं खुल पाया है। पांचवें नंबर पर जिस खोज ने अपनी जगह बनाई है वो है वायनिश मैनुस्क्रिप्ट। रहस्यों की बात करें तो ये 240 पन्नों की किताब, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया। इतिहासकारों की माने तो ये रहस्यमयी किताब 600 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और कार्बन डेटिंग से ये भी पता चलता है कि ये 15वीं सदी में लिखी गई है। इस किताब में इंसानों से लेकर पेड़ पौधों तक सभी के चित्र बने हुए हैं, लेकिन इस किताब में क्या लिखा हुआ है और किस भाषा में लिखा हुआ है ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। चौथे नंबर पे आता है मोआई स्टैचूज, जो कि ईस्टर आइलैंड में पाए जाते हैं। यहाँ बनी रहस्यमयी मूर्तियों को मोआई नाम से जाना जाता है। बता दें, ये मूर्तियाँ लगभग 100 टन वजनी और 30 से 40 फीट लंबी हैं, और सबसे खास बात यह है कि देखने में लगभग एक जैसी ही लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे सभी को एक ही सांचे में ढाला गया हो। इन मूर्तियों को लेकर एक सवाल हमेशा से बना हुआ है कि आखिर जब इस आइलैंड पर किसी इंसान के रहने के कोई सबूत नहीं मिले हैं तो ये मूर्तियां आखिर यहां आई कैसे, और वो भी एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों। लोगों की माने तो सैकड़ों साल पहले एलियंस इस आइलैंड पर आए थे और उन्होंने ही इन मूर्तियों का निर्माण किया था, लेकिन वो इन्हें बीच में ही छोड़कर चले गए। हालांकि ये सब कई सुनी बातें हैं जिसका कोई प्रमाण किसी के पास मौजूद नहीं है। तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है पेरू की नाजका लाइंस। धरती पर एक से एक अजूबे मौजूद हैं, और इसी तरह का एक अजूबा पेरू की धरती पर मिला है। कहा जाता है कि यहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट को पेरू के दक्षिणी रेगिस्तानी इलाके नाजका लाइंस की पहाड़ी पर 37 मीटर लंबी बिल्ली का एक चित्र मिला है। बताया जाता है कि ये रेखा चित्र 200 बीसी और 100 बीसी के बीच बनाया गया है। बिल्ली का विशाल काय रेखा चित्र देखकर लोग दंग हैं, और कहा जाता है कि ये विचित्र रेखा चित्र सामने आने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट इसका संरक्षण करने में जुटा है। नाजका लाइन पर बंदर सहित अन्य जानवरों के रेखा चित्र पहले भी मिल चुके हैं। हालांकि कई विशेषज्ञों का ये भी दावा है कि यह एलियन अपने UFO के साथ धरती पर उतरे थे और यह रहस्यमयी संरचना उन्होंने ही बनाई थी। दूसरे नंबर पर है तुर्की का दक्षिण पूर्व एनाटोलिया क्षेत्र में स्थित गोबेकली टेपे। माना जाता है कि ये साइट करीब 11,000 साल पुरानी है, मगर इस स्थल की खासियत ये है कि लोग इसे दुनिया का सबसे पुराना मंदिर मानते हैं, जो कि तुर्की देश में स्थित है। बता दें कि इस साइट को यूनेस्को हेरिटेज साइट का हिस्सा भी माना जाता है। इस स्थल को साल 1963 के दौरान खोजा गया, तब से लेकर अभी तक इस स्थल को दुनिया के सबसे पुराने मंदिरों में गिना जाता है। जमीन के अंदर 11,000 साल पुरानी मूर्तियां मिली हैं, जिसमें 3D मूर्तियों के अलावा 250 से ज्यादा टी आकार के बड़े पत्थर मिले, और इसके साथ ही 18 फीट गहरी एक बहुत पुरानी इमारत भी मिली। पहले नंबर पे अपनी जगह बनाई है टेरा कोटा वॉरियर मकबरा ने। अगर चीन की बात की जाए तो उसका इतिहास भी काफी पुराना रहा है। चीनी इतिहास में इतनी सभ्यताएं आई और इतने राजा हैं कि उन सब के बारे में जान पाना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। बात लगभग 250 ईसा पूर्व की है, जब चीन के शानक्सी प्रांत में 13 साल की उम्र में एक युवा राजा यिंग जेंग ने अपना मकबरा बनाने का हुक्म दिया, और 38 साल की उम्र में किंग जेंग सभी युद्धरत राज्यों को एकजुट करने में सफल रहे और चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग बने। समय आने पर राजा यिंग जेंग ने आदेश जारी किया कि उसका एक आलिशान मकबरा तैयार किया जाए। ये मकबरा जमीन के नीचे होना चाहिए और वहां पर उसकी पूरी सेना की मिट्टी के पुतले बनाए जाए। इससे पहले धरती पर इतना बड़ा मकबरा कभी नहीं बनाया गया था। आदेश की तामील हुई और जमीन के नीचे खुदाई कर राजा की कब्र बनाई गई, और उसके साथ उनकी टेराकोटा आर्मी के योद्धाओं व उनके गुरुओं तक के पुतले बनवाए गए, और इसके बाद कब्र को मिट्टी से ढक दिया गया और पूरे 2200 साल तक यह इंसानी नजरों से छुपी रही। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 5 रहस्यमयी आर्कियोलॉजिकल खोज। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आखिर तक वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया।